हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग आए हैं पेनामपुर बीच घूमने, जो मैंगलोर का सबसे फेमस बीच है, अपने भाई के साथ। हेलो कर दो। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। एक अलग ही तरह की शांति मिलती है यहाँ पे आने पे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो कितने सारे लोग। जूता तो हाथ में उठाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पूरा भीग चुके हैं। देख सकते हैं आप, सामने जो है पोर्ट का नाव आता है, यहाँ से सामान उतरता है और अलग अलग जो है स्टेट में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंडस्ट्रियल एरिया है ये पेनामपुर बीच। देख सकते हैं कितना भीड़ है। देख सकते हैं गाइस, पेनामपुर बीच, ब्यूटी ऑफ मैंगलोर। ब्यूटी ऑफ मैंगलोर है, देख सकते हैं। हेलो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद, करीब करीब 3 साल के बाद मैं जो है इस बीच पे आया हूँ और आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांति लग रहा है। आप देख सकते हैं शिव कुमार उधर जा रहे हैं बीच में। देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। जो मोबाइल में नज़ारा नहीं मिलता है वो जो सामने जो बीच पे आने के बाद दिल गदगद हो जाता है, मन खुश हो जाता है, सारी टेंशन और पीड़ा जो है दिमाग का मिट जाता है। और क्या हूँ कहूँ, देखते हैं शिव कुमार को। ये डूबता हुआ सूरज है, ये हमारे ब्रदर, छोटे ब्रदर आते हुए। यहाँ पतंगबाजी भी चल रही है, आप देख सकते हैं किसकी कटेगी मालूम नहीं। एक उड़ने के लिए तैयार है। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको पास से दिखा दूँ। लहरों का क्या ही कहना, प्रकृति के बीच में जो जीवन का मज़ा है ना, उसका मज़ा ही अलग है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लहरें आ रही है। वाव, व्हाट गाइस, बच्चे नहा रहे हैं। ए हेलो लड़के। ये हमारे छोटे भाई प्रदर्शन करते हुए, इन्हीं को घुमाने के लिए हमने ये ब्लॉग बनाया है स्पेशली। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब आप प्रकृति के बीच में होते हैं। टेक्नोलॉजी में हम लोग इतना गुम हो चुके हैं कि प्रकृति का आनंद लेना भूल गए हैं। जीवन में इतना टेंशन क्लेश भर गया है कि हम लोग जो है प्रकृति के बीच में जो है रहना भूल गए हैं, जीवन जीना भूल गए हैं। बस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के बीच थोड़ा बहुत। और वहाँ पे लोग बोटिंग करते हुए, यहाँ बोटिंग भी मिल जाती है देखने को, देख सकते। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, लोग यहाँ पतंग रहे हैं। और किसकी पतंग कटेगी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे।
देख सकते हैं गाइस, मैं और मेरा छोटा भाई बीच का आनंद लेते हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े आई लव मैंगलोर एंड लव बीच, लव यू गाइस, लव यू। ये देख सकते हैं सूर्य सूर्यास्त की तरफ। देख सकते हैं लोग ही लोग हैं। बहुत सारे क्या हो गया, वो भीग ही जाएगा, लहर है ना, लहर में तो भीगेगा ही। चलते हैं आगे की तरफ और नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये देखो बोटिंग हो रही है गाइस, बोटिंग कर रहे हैं। सूज ले लो, सूज भूल जाएगा। पाठशाला टेक, पाठशाला टेक, हाँ मारो। ओके हाय का दो, हाय दोस्तों, कहाँ घर है आपका? आई एम बैंगलोर, झारखंड, मैं बिहार से हूँ, ठीक है। ओके ये आपके साथ है? हाँ। आपका बच्चा है? हाँ। ए हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है छोटू? मैं तुम्हारा नाव जवाज नाम है, जवाज जियो, जवाज कूदो कूदो, दौड़ते हुए आओ, उठो। देखे भाई मिल गए झारखंड का अपने, बच्चे नहा रहे हैं बहुत सारे। हाय, ये लहरे आते हुए, शिव कुमार हाथ में जूता लिए हुए, उनका यही काम है। ठीक है भाई, अपने अपना सामान नहीं लाया, नहीं तो हम भी नहाते इसमें, इच्छा अधूरी रह गई है, लेकिन ज़रूर नहाएंगे इस बीच पे। देख सकते हैं कैसा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आज अगला बार नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो ज़रूर नहाएंगे। ये है मैंगलोर की ब्यूटी, अगर आपको मैंगलोर घूमने का मन है तो आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत ही खूबसूरत हैं, शक्ल से तो है ही, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। देख सकते हैं भाई यहाँ पर, मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा।
आई लव इंडिया, आई लव मैंगलोर, आई लव बीचेस। देख सकते हैं गाइस, सूरज डूबने को है और कितना ही खूबसूरत नज़ारा है प्राकृतिक का, लोग इसका आनंद लेना ही भूल गए। मैं खुद 3 साल के बाद आ रहा हूँ यार, देख सकते हैं वोट बाजी भी हो रही है, लोग वोटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ लोग पतंग उड़ाते हुए, सवारी लोग करते हुए, तो गाइस एक बच्चा, उसकी माँ, ये नज़ारा देख के एक ही गाना याद आ रहा है मुझे को, कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, जरा बेईमान है आज मौसम। देख सकते हैं सूरज डूब चुका है गाइस, शाम के 6:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे बीच खाली होते हुए ये शिव कुमार जो है लगे हुए हैं वीडियो बनाने में। कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितना क्लियरिटी है फोटो में। कैसा लगा घूमकर? बहुत अच्छा लगा। ये पीछे ऊंट है और बैक साइड समुद्र का लुक ही अलग हो चुका है अभी गाइस, देख सकते हैं सूरज डूब चुका है और धीरे धीरे रात होने वाली है और लहरों में उफान बढ़ती हुई, ये शाम का नजारा, और हवा बहुत ही तेज चल रहा है गाइस, शाम का नज़ारा है ये, थोड़ा सुबह थी। अब हम लोग जाएंगे वहाँ, देख सकते हैं लाइट वहाँ पे होटल से, कुछ खाएंगे पिएंगे और घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ओके गाइस, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय 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 गाइस।